सो हे गाइस, इट्स मी आदित्य। आज मैं फिर से आ गया हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सा वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने क्विक वेपन स्विच का कैसे बिल्कुल अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, अब तो मुझे पता है कि तुम में से काफी सारे बंदे थ्री फिंगर पे गेम प्ले करते हो और तुम में से कुछ बंदे टू फिंगर पे भी गेम प्ले करते हो। और जैसे ही तुम लोग क्विक वेपन स्विच का यूज करना स्टार्ट करते हो तुम्हारे गेम प्ले में, तुम्हारे संग एक दिक्कत ये होती है, या तो तुम्हारा क्विक वेपन स्विच पहले हो जाता है, फायर नहीं होता, और सेकंड चीज ये कि तुम्हारा फायर हो जाता और क्विक वेपन स्विच टैप नहीं होता। और ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, लिटरली सबके साथ, यहाँ तक कि मेरे साथ भी होता है, सॉरी होता था। तो भाई, अब तुम लोग बोलोगे कि तुझे कैसे इतना सब कुछ पता और तू कैसे मुझे बता सकता है कि कैसे वेपन स्विच यूज करना है। उस किस्म का सवाल का जवाब आता है, उस किस्म का सवाल कर मुझसे। अच्छा लिसन, एक मिनट रुको। तो ये वीडियो पूरी तुम इसलिए देख सकते हो क्योंकि इस वीडियो में जो बताया गया है वो यूट्यूब पर इस टॉपिक पे बने किसी भी वीडियोस में नहीं बताया गया है। और ये वीडियो तुम्हारे लिए उन 10 वीडियो से भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है जो तुमने यूट्यूब पर देखा है, बट अगर तुम इस ट्रिक्स को अपने गेम प्ले में अप्लाई करोगे तो अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दो। अरे लाइक कर दो, शर्माओ मत। तो अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो देखो, अब क्विक वेपन स्विच को यूज करने का एक ही फायदा नहीं है, इसके चार चार फायदे हैं। वो चारों फायदे जानने के लिए तुमको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और तुम लोगों ने देखा होगा किसी भी बड़े बड़े लेजेंड्स को लाइक राइस्टार, वाइट एफएफ या पागल एप्टेन, ये सारे के सारे प्लेयर्स अपना क्विक वेपन स्विच को हमेशा इनेबल रखते हैं। तो तुम लोगों ने सोचा कभी ये अपना क्विक वेपन स्विच को इनेबल हमेशा क्यों रखते हैं? डैम श्योर तुम में से सिर्फ 40% बंदों को ही पता होगा कि वो अपना क्विक वेपन स्विच को क्यों ऑन रखते हैं। तुम में से 60% बंदों को पता ही नहीं होगा कि वो अपना क्विक वेपन स्विच को ऑन क्यों रखते हैं। और जिन लोगों को पता होगा वो अपना क्विक वेपन स्विच को क्यों ऑन रखते हैं, तो वो सिर्फ एक ही रीजन जानते होंगे क्विक वेपन स्विच को यूज करने का। बट इस वीडियो में मैं तुम लोगों को चार ऐसे टोटल रीजन बताने वाला हूं जिससे तुम क्विक वेपन स्विच का यूज कर अपना काफी ज्यादा लेजेंडरी गेम प्ले कर सकते हो। आई मीन तुम्हारा पूरा गेम प्ले बदल जाएगा अगर तुम वो चारों ट्रिक को जान जाते हो और उनको अपने गेम में अप्लाई कर लेते हो। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो रीजन जान लेते हैं जो तुम में से 40% बंदे जानते हैं, वो है हमारा वन टैप का एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्विक वेपन स्विच को। लाइक जो तुम में से 40% बंदे जानते हैं जिसके लिए राइस्टार और वाइट एफएफ लोग अपना कस्टम एचयूडी में यूज करते हैं क्विक वेपन स्विच को। तो ये बात तो सच है कि अगर तुम क्विक वेपन स्विच को यूज करते हो तो तुम्हारा वन टैप का एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और तुम्हारा हर गोली हेड पे ही कनेक्ट होता है सीधा। लाइक अगर आज तक तुम लोग क्विक वेपन स्विच का यूज नहीं करते थे तो लिटरली इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग जरूर क्विक वेपन स्विच का यूज करने लगोगे, क्योंकि इसका एक फायदा नहीं है, इसका काफी सारा फायदा है। और उनमें से मैंने सिर्फ एक फायदे के बारे में तुम लोग को बताया है जो कि अभी क्विक वेपन स्विच से तुम लोग अपना हेडशॉट का एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब बात कर लेते हैं सेकंड एडवांटेज के बारे में जो कि काफी कम प्लेयर्स यूज करते हैं अपने गेम प्ले में क्विक वेपन स्विच को उस पर्पस के लिए। सेकंड एडवांटेज के बारे में आप लोग को बताऊं, बट उससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, आप लोग हमारे फर्स्ट एडवांटेज को बिल्कुल भी मत मिस करना, क्योंकि अगर आप लोग उसको मिस कर देते हो तो तुम्हारा मोमेंट बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। और उसी ट्रिक का यूज कर राइस्टार का इतना फास्ट मोमेंट होता है कि उसको इंडियन फास्टेस्ट प्लेयर भी बोला जाता है। तो अगर आप लोग को उसके तरह मोमेंट स्पीड बढ़ाना है तो आप लोग उस ट्रिक को बिल्कुल भी मत मिस करना। तो हमारा सेकंड एडवांटेज ये है कि पुट ग्लू वॉल्स यूजिंग क्विक वेपन स्विच। तुम में से काफी सारे बंदे बोल रहे होंगे, अरे ये कौन सा चीज है, हम लोग ग्लू वॉल कैसे लगा सकते हैं क्विक वेपन स्विच का यूज करके। वेट अ सेकंड, मैं तुम्हें एक क्लिप से समझाता हूँ जो कि एक लेजेंड का ही है और वो लेजेंड कैसे अपना ग्लू वॉल लगाता है क्विक वेपन स्विच का यूज करके। सो गाइस, इस क्लिप में आप देख सकते हो ये कैसे क्विक वेपन स्विच का यूज करके कितना अल्ट्रा फास्ट ग्लू वॉल लगा रहा है। और ये ट्रिक काफी कम लोगों को ही पता है और ये ट्रिक काफी कम बंदों को ही पता है और काफी कम बंदे इसके बारे में जानते हैं। बट अगर आप लोग एक बार इसका अपने गेम प्ले में अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हो तो तुम्हारा गेम प्ले बिल्कुल गॉड लेवल का हो जाएगा और तुम्हारा ग्लू वॉल पीसी प्लेयर से भी ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट लगने लगेगा, जैसा कि इस बंदे का लग रहा है। और ये प्लेयर का नाम अगर आप लोग गेस कर चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप लोग को इसका फुल वीडियो देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके इनके चैनल पर भी वो फुल वीडियो देख सकते हो। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड एडवांटेज के बारे में
जिसका यूज कर कर आप स्नाइपर बिल्कुल पीसी प्लेयर से भी ज्यादा खतरनाक और एक्यूरेट चला सकते हो। इस ट्रिक को बताने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आप में से 87% बंदों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और अगर आप भी उन 87% बंदों में से हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। यार काफी लोग तो हो जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अब मैं थोड़ी बार बार अपने चैनल को सब्सक्राइब करता रहूंगा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? सो एनीवेज अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड ट्रिक के बारे में, जिससे आपका स्नाइपर बिल्कुल गॉड लेवल का चलने लगेगा और आप पीसी प्लेयर से भी अच्छा स्नाइपर चला पाओगे क्विक वेपन स्विच का यूज कर। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैं क्विक वेपन स्विच का यूज कर कितना ओपी स्नाइपर चला रहा हूं, जो कि आप भी चला सकते हो। और आप ऐसा स्नाइपर स्कोपिन कर भी चला सकते हो जो कि काफी ज्यादा ओपी लगता है, और आप ऐसे अगर स्नाइपर चलाते हो तो आप पूरी की पूरी स्क्वाड को भी मार सकते हो सिर्फ स्नाइपर से, सॉरी डबल स्नाइपर से। गाइस आप किसी भी मोबाइल प्लेयर का कस्टम एचयूडी देख लेना जो कि स्नाइपर चलाता हो, लाइक पहाड़ी हो गया, नजीब गेमिंग हो गया, अगर आप लोग इन लोग का कस्टम एचयूडी देखोगे तो आपको इनके कस्टम एचयूडी में एक सेम चीज जरूर मिलेगा। तो उस बटन का नाम है क्विक वेपन स्विच, क्योंकि वो लोग इसका यूज कर इतना ओपी स्नाइपर चलाते हैं कि उनके सामने पीसी प्लेयर्स भी फेल है। गाइस आप लोग इंडिया ही नहीं, आप लोग बाहर के भी कंट्री के प्लेयर्स को, लाइक लॉरेम हो गया जो कि फोन में स्नाइपर इतना खतरनाक चलाता है कि उससे अच्छा पीसी प्लेयर्स भी नहीं चला पाते, तो आप लोग देखना उसके भी कस्टमर चुड़ी में उसने भी क्विक वेपन स्विच को ऑन रखा है। गाइस बस यहां तक तो हमारे तीन एडवांटेज कंप्लीट हो चुके हैं, बट अभी भी एक लास्ट ऐसा एडवांटेज बचा हुआ है जिसके बारे में मैं आप लोग को बताया था, जिसका यूज कर आप राइस स्टार के जैसा मूवमेंट स्पीड कर सकते हो। गाइस हमारा लास्ट ट्रिक ये है कि आप लोग को कभी भी फायर कर गन बॉक्स से गन को चेंज नहीं करना है, आप लोग को हमेशा क्विक वेपन स्विच से अपने गन को चेंज करना है, फिर उसके बाद स्प्रिंट करना है। आप लोग उसके बाद देखना आपका मोमेंट स्पीड क्या निकल कर आता है, मतलब आप लोग को खुद बिलीव नहीं होगा कि आपका मोमेंट स्पीड इतना कैसे इंक्रीज हो सकता है एक फोन के अंदर, वो भी एक क्विक वेपन स्विच का बटन का यूज करते से। सो गाइस इस ट्रिक को आप लोग अपने गेम प्ले में इंप्लीमेंट करके देखना, आप लोग को जरूर फायदा देखने को मिलेगा, और आप लोग जरूर क्विक वेपन स्विच का यूज कर देखना, आपका गेम प्ले जरूर इंप्रूव होगा। सो गाइस बस अब आप लोग वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, और इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का, तो आप लोग उसको भी कंप्लीट करा देना। सो गाइस बस अब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अगर आप लोग को बेस्ट थ्री फिंगर कस्टम एचयूडी चाहिए तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर लो, अगर आप लोग को सीखना है कि थ्री फिंगर कस्टम एचयूडी आप लोग कैसे सीखो तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर लो।